नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। शराब ने एक बार फिर रिश्ते को कलंकित कर दिया और इंसान को हैवान बना। शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही रिश्ते की नानी की हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के ग्राम मोरघाट का है, जहां एक सप्ताह पहले बहरहमी से एक महिला का कत्ल कर दिया गया, जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 मई 2019 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरघाट के पास खेत में एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसका सिर एवं मुंह पत्थर से कुचला हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मृतिका की शिनाख्त कलाबाई पिता सुंदरलाल कोरकू उम्र लगभग 60 वर्ष के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और जांच में जुट गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आसपास के लोगों के कथन लिए एवं कथनों के आधार पर संदेही सूरज पिता बलराम गोंड उम्र 28 साल निवासी ग्राम मोरघाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मृतिका कलाबाई रिश्ते में सूरज की नानी लगती थी तथा सूरज और कलाबाई साथ में बैठकर शराब पिया करते थे। हत्या की रात तकरीबन 9:30 बजे मृतिका कलाबाई का रिश्तेदार मानसिंह पिता विजय कोरकू निवासी ग्राम गुरंजघाट अपने दो साथियों के साथ मोरघाट आया और बोला कि सब बैठकर शराब पियेंगे। तो सूरज ने अपनी नानी कलाबाई को शराब पीने के लिए घर के पीछे खेत में बुलाकर ले आया। सभी ने साथ बैठकर शराब पी और शराब के नशे में कलाबाई गंदी गंदी गालियां देने लगी, जिससे नाराज होकर गुस्से में मानसिंह एवं उसके दो दोस्तों ने कलाबाई के हाथ पैर पकड़ उसे नीचे फेंक दिया एवं उसके बाद मानसिंह ने कलाबाई के सिर पर पत्थर से वार किए, जिससे कलाबाई की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी एवं उसके साथी भाग गए एवं सूरज अपने घर चला गया। वहीं मानसिंह के साथ अन्य दो लोग आए थे, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कलाबाई का आधार कार्ड एवं तेंदुपत्ता की बही पुलिस को सूरज के पास से मिली है। वहीं राशन कार्ड मानसिंह लेकर भाग गया था। आपको बता दें कि मृतिका के रिश्तेदार कलाबाई के मकान पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने आरोपी सूरज पिता बलराम गोंड को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य आरोपी मानसिंह एवं उसके दो साथियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। दिनांक 11 मई को टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरघाट के पास खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसका सर पत्थरों से कुचला हुआ है। मौके पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया। महिला की शिनाख्त कलाबाई कोरकू के रूप में हुई। शव का पंचनामा करके उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसमें धारा 302 IPC का अपराध दर्ज किया गया। उसके बाद लगातार माननीय पुलिस अधीक्षक, चूँकि अंधकत्व का मामला था तो मौके का निरीक्षण माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ML चारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री घनश्याम मालवीकर, SDOP सोनिया सर के निर्देशन में मैं, मेरा पूरा स्टाफ, सब इंस्पेक्टर आरा सर, सब इंस्पेक्टर वैशाली उइके, सब इंस्पेक्टर खातर सर और अन्य स्टाफ के द्वारा लगातार बारीकी से जांच की गई। घटना के संबंध में चारों तरफ सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ की गई। निष्कर्ष ये निकला कि घटना दिनांक के समय इसका एक रिश्तेदार है, मृतिका कलाबाई का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है मानसिंह, जो पहले मोरघाट में ही रहता था लेकिन ये अभी शिवपुर थाना क्षेत्र का एक गांव गुरंजघाट वहाँ चला गया है। तो ये अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से आया था और इसी मोरघाट के रहने वाले लड़के सूरज, ये भी आदिवासी है, इसके साथ इन लोगों ने मिल के ये, मतलब मानसिंह, उसके दो दोस्त और सूरज, ये चार लोगों ने मिले ये और सूरज के घर के पीछे कलाबाई जो है ये मृतिका, इसके साथ मिलके सब लोगों ने मिलके शराब पी वहाँ, क्योंकि आपस में रिश्तेदार थे इसलिए पहले भी ये लोग शराब पीते रहे हैं और शराब पीने के दौरान कलाबाई ने इनको गाली देना चालू कर दिया नशे में। तो मानसिंह ने उठा के अपने दोस्तों के साथ मिलके इसको वहीं पटक दिया और पत्थरों से इसके सिर में और चेहरे पे कुचल कुचल के इसकी हत्या कर दी। और मानसिंह के द्वारा ये कहा गया कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका जिसमें इसका जो इंद्रावास योजना में जो घर बना है ये अपन कब्जा कर लेंगे। तरीके से तस्दीकी पर हमने सूरज को हिरासत में लिया
और सूरज से पूछताछ की। उसने पूरी घटना का खुलासा किया। मानसिंह की तलाश में लगातार टीमें भेजी गई हैं, परंतु मानसिंह फरार है। उसके दो दोस्तों की शिनाख्त भी अभी नहीं हो पाई है। वो मानसिंह ही पकड़ने पे बताएगा कि वो कौन दोस्त। सूरज ने अपने मेमोरेंडम कथन में अपने साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया है और सूरज से मृतिका का आधार कार्ड और तेंदुपत्ता की जो बोनस की बही होती है वो भी जब्त हो गई है। जल्द ही लगातार सर्चिंग करके मानसिंह और उसके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पिपरिया बनखेड़ी मुख्य मार्ग पर बोलेरो और बस की आपस में भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि दुर्घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है बस में बैठे यात्रियों में से करीब 5 से 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका पिपरिया के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। होशंगाबाद जिले के हरनर्मदा घाट पर पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन अर्चन कर प्रार्थना की। वहीं आयुर्वेद के डॉक्टरों ने विवेकानंद घाट पर फ्री कैंप लगाकर स्नान करने आए श्रद्धालुओं का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज भी किया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोग भी इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन नर्मदा में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान कर श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अकाल मौत का डर कम हो जाता है। गौरतलब है कि आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर AK पुष्कर, डॉक्टर सविता पुष्कर ने शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय होशंगाबाद एवं आयुष्मान विंग के तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें स्नान करने आए बीमार मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। अयोध्या वासी गुप्ता वेद समाज के तत्वाधान में बाबई जिला होशंगाबाद में प्रांतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वेश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, वेश्य महासम्मेलन के पूर्व संभागीय अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, वेश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष अजीत सेठी, वेश्य महासम्मेलन की महिला संभागीय अध्यक्ष नीरजा फौजदार, गिरजाशंकर शर्मा, विकल्प डहरिया, अजय सैनी, होशंगाबाद अयोध्या वासी गुप्ता नगर के अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, सुनील मोदी सहित प्रांत के विभिन्न सम्मानीय अतिथिगण, वरवधु एवं उनके परिजन एवं नगरवासी उपस्थित हुए और वरवधु का परिचय लिया। शुरू किया और ये तीसरी बार उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। और मैं चाहूंगी कि उनके साथ दो हाथ के साथ ढेर सारे हाथ उनके साथ जुड़ते चले, ताकि यह कार्यक्रम और बड़े रूप में हो और ढेर सारे जोड़े यहाँ शादी के बंधन में बने। मंच पर आसीन परम सम्मानी व्यस्त महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई सम्मानीय उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई राजीव खंडेलवाल जी। कक्षा 12वीं में जिले में तीसरा स्थान हासिल करने के साथ साथ गणित विषय में 100% अंक लाने वाली छात्रा अनंपिता अफजल खान का शनिवार के दिन नागरिक मोर्चा के सदस्य प्रमोद खंडेलवाल, संतोष तिवारी सहित अन्य सदस्यों ने आचार्य चाणक्य स्कूल पहुंच सम्मान किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर संस्था संचालक सुभाष दुबे भी उपस्थित थे, जिन्होंने नागरिक मोर्चा के सभी सदस्यों का छात्रा का सम्मान कर उत्साहवर्धन करने के चलते आभार माना। होशंगाबाद नगर में पेयजल की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नपा अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के समस्त वार्डों के पंप ऑपरेटर एवं नगरपालिका जल शाखा के अधिकारी एवं प्रभारी कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें प्रत्येक पंप ऑपरेटर से 1-to-1 चर्चा कर पेयजल सप्लाई में आ रही बाधाओं के विषय में जानकारी लेकर उसे दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही व्यर्थ बह रहे पानी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर व्यर्थ पानी बहाने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।